फॉरेन की हॉरर स्टोरीज को हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरिंडर संडे को अभी सब्सक्राइब करें। विश्व साहित्य की कुछ अनोखी और रोमांचक कहानियों से सजाई गई हमारी ये अनोखी पहल हॉरिंडर संडे। आज आप लोग सुनने जा रहे हैं ऑथर सत्यजीत राय की लिखी हुई काकतारुआ की हिंदी अनुवाद स्केयरक्रो। सुधीर बाबू की शक जायज है, वो पता चला पानागढ़ की 3 माइल दूर आके। बहुत दिन पहले से ही उसके ड्राइवर उसे बोल रहे थे कि गाड़ी की तेल दिखाने वाला जो मीटर है वो खराब हो गया है। उसने पैसे भी दे दिए थे लेकिन अब तक ड्राइवर गाड़ी के सर्विसिंग नहीं किया। अब मीटर में दिखा रहा है तेल है लेकिन असल में थोड़ा सा भी नहीं। ड्राइवर ने कहा कि 3 माइल जाके वो पानागढ़ के पंप से तेल लेकर आएंगे। अब 3 माइल जाना मतलब करीब करीब 3 घंटे की रास्ता। इस मैदान के ऊपर ऐसे सुधीर बाबू को अकेले अपने गाड़ी के साथ रहना होगा। ड्राइवर निकल गया। सुधीर बाबू एक साहित्यिक है। दुर्गापुर में गए थे एक सर्टिफिकेट लाने। ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं मिला इसीलिए खुद गाड़ी लेकर ही जाना पड़ रहा है। लेकिन आने के वक्त ही ऐसा हुआ। कुछ भी हो, रात 8 बजने से पहले ही उसे अपने घर में जाना होगा। फेब्रुआरी के पहली भाग, जहां वो खड़े है वहां हाईवे के पास दूर दूर तक सिर्फ खेत ही दिख रहा है। दूर दूर तक खेती है लेकिन उसमें एक जलाशय है। वहां दूर तक 2-3 बरगद के अलावा और कोई पेड़ नहीं है। यहाँ पे बहुत दूर 2 घर है लेकिन कोई इंसान नहीं है। कुछ पास है तो है खेती में खड़ा, वो भी चुका। सर्दी में भी धूप बहुत ज्यादा है। सुधीर बाबू गाड़ी में लौट आए, एक किताब निकाल के पढ़ने लगे। इस वक्त उत्तर दिशा के बादल जल्दी आके अचानक से सूरज को ढक दिया। बादल के पीछे ही सूर्यास्त होने लगा। सुधीर जी गाड़ी से बाहर आए। हाईवे में खड़े होके उसे लगा कि वो इस दुनिया में अकेले ही है। सिर्फ कोई साथ है तो वो है बिचुका। एक लंबे बांस के ऊपर एक और लंबा बांस की हाथ लिए खड़े है वो। उस पे एक फटा हुआ कपड़ा, ऊपर है एक मिट्टी के काले कुंभ। उसमें है 2 बड़े-बड़े गोल आंखें। जितनी रोशनी था उसमें से ही सुधीर बाबू ने देख लिया बिचुका की लाल शर्ट। उस शर्ट को देख के किसका याद आया ये पता नहीं। 5 मिनट में सूर्यास्त होने वाला है, अब एकदम से अंधेरा हो जाएगा। वो बिचुका, नहीं पता क्यों सुधीर बाबू को जैसे वो अपने तरफ खींच रहा है। उस पे नजर डाल के कुछ देर बैठे रहते रहते सुधीर बाबू ने अचानक से देखा शायद उस बिचुका में कोई बदलाव आया है। हाथ क्या नीचे की तरफ आया है थोड़ा, खड़े होने की स्टाइल क्या और थोड़ा जिंदा इंसान जैसा। एक बांस के पैर के पास क्या और एक बांस दिख रहा है, वो बांस है या पैर। ऊपर की कुंभ क्या छोटा हो गया है, सुधीर बाबू तो नशा नहीं करते। अब एक सिगरेट जला के वो फिर से उस बिचुका को देखा। 100% जगह बदल गया है। बिचुका के मुंह अब हाईवे की तरफ मुड़ गया है और वो जैसे हाईवे की तरफ ही थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा है। बाबू, सुधीर बाबू की नस में जैसे ठंडा पानी बहने लगा है। बिचुका इंसान की आवाज में उसे पुकार रहा है और ये आवाज भी वो पहचानता है, उसके पुराने नौकर अभिराम। यहाँ ही तो था अभिराम का घर। सुधीर बाबू डर के मारे पीछे जाते जाते गाड़ी से चिपक गया। अभिराम और पास आ रहा है। मुझे पहचान पा रहे हैं बाबू? अंदर के सारे साहस को एक करके सुधीर बाबू हाँ का इशारा किया। आप इतने दिन बाद भी मुझे याद कर पा रहे हैं,
आप महान हैं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन उस दिन आप लोग मेरे बात पे भरोसा क्यों नहीं किया? सुधीर बाबू को याद आया 3 साल पहले की बात। अभिराम था सुधीर बाबू का बहुत पुराना नौकर, लेकिन आखिरी में एक दिन अभिराम को कुछ हुआ। वो सुधीर बाबू की एक सोने की घड़ी चोरी कर बैठा, लेकिन पकड़े जाने के बाद अभिराम मानना नहीं चाहा। लेकिन सुधीर बाबू के पिताजी ने ओझा बुलाकर मुड़ी में चावल फेंक के अंधविश्वास के जरिए प्रमाण किया कि अभिराम ही चोर है। अभिराम को काम से निकाला गया। आप लोगों के घर से चले आने के बाद मैं कभी नौकरी नहीं किया, क्योंकि मुझे एक कठिन रोग हुआ। ना पैसा था ना ही दवाई, वही मेरी आखिरी रोग था। आपकी दी गई ये शर्ट मुझे जलाने के पहले मेरे शरीर से उतारा गया। कुछ दिन बाद ये फारे हुए कपड़े ये बिचुका को पहना दिया गया। मैं भी रह गया इस बिचुका में। मुझे पता था एक दिन आपसे जरूर मिलूंगा। मौत के बाद जो मुझे पता चला मैं वो बताना चाहता हूँ। घर लौट के अपने पुराने आलमारी के पीछे एक कोने में कागज की लाट में वो घड़ी फंसा हुआ है 3 साल से। आपके नए नौकर ठीक से सफाई नहीं करते, इसीलिए उसे वो मिला नहीं। उसके बाद आपको पता चलेगा मैं चोर नहीं था। इतने दिन बाद अच्छा लगा मुझे, मैं चलता हूँ। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। कहानी में हूँ मैं रौनिता, अनुवाद में है पलक। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक डरते रहे, डराते रहे।